शरीर में इन्फ्लेमेशन को कैसे कम करें। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हमें इन्फ्लेमेशन यानी जिसकी वजह से शरीर में दर्द, बुखार, थकान, मसल स्टिफनेस, जॉइंट्स पेन या बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो शरीर को काम करने नहीं देती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम रिपेयर नहीं हो पाता। तो इन्फ्लेमेशन को यानी और दर्द को, किसी भी तरीके के दर्द को शरीर से कैसे कम किया जाए, उसके लिए हमें अपने डाइट में जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे वो कौन से फूड आइटम्स हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं? इसमें सबसे टॉप लिस्ट में आता है टमाटर, उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिसमें काफ़ी मात्रा में फाइटो न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, भिगोए हुए बादाम या अखरोट जिनमें जो है हेल्दी फैट जिसे हम ओमेगा 3 भी कहते हैं वो पाया जाता है, कोकोनट, पाइनएप्पल, ऑरेंज, लेमन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, ये अल्कलाइन होती है और हमारे शरीर से इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। तो हमें अपने खाने में इन चीज़ों को लेना चाहिए। अब हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें जो है अपने खाने से जितने भी पैकेट वाली चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। इसमें और सब टॉप मोस्ट लिस्ट में जो आता है वो आता है जैसे शुगर, किसी भी तरीके की शुगर, जैसे आर्टिफिशियल शुगर आजकल जिन चीज़ों में ज़्यादा हो गई है, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इवन पैकेट पैक्ड फ्रूट जूसेस में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें जो है शुगर मिलती है। तो हमें इसको अपने खाने से या अपने स्नैक्स से बिल्कुल कम करना चाहिए। पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, पेस्ट्रीज़, बेकरी आइटम्स, इनको हमें अपने खाने से बिल्कुल हटा देना चाहिए। ये जो हैं इन्फ्लेमेशन को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से आजकल जितने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जैसे डायबिटीज़ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, मोस्ट अल्जाइमर्स है, वो आजकल बहुत बढ़ गई हैं। तो और सेकंड नंबर पे आता है हमें जो है एक्स्ट्रा जितना भी फैट है उसको रिड्यूस करना चाहिए। फैट बढ़ने की वजह से जो होता है हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। हमारा शरीर जो बनाया गया है एक लिमिटेड वेट को कैरी करने के लिए बनाया गया है, 50 kg to 60 kg। अगर इससे आप 30-40 किलो एक्स्ट्रा वेट लेकर अगर घूमते हैं तो वो जो होता है हमारे शरीर को ओवरवर्क करना पड़ता है। अब आप खुद ही देखिए, अगर हम अपने ऑफिस में या अपने वर्क प्लेस पे अगर बहुत ज़्यादा ओवरटाइम कर देते हैं तो हमारा सिर जो है वो फटने लगता है। तो ऐसे ही अगर हमारी बॉडी जो है एक्स्ट्रा वेट लेकर घूमेगी तो ये जो है हमारी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तो ओवर वर्क जो होता है वो हमारे जैसे सिर्फ फटने वाली स्थिति जो सिचुएशन पैदा होती है वैसे ही हमारी बॉडी के साथ होगा और वो इन्फ्लेमेशन के रूप में बाहर निकलता है। और यही इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है बार बार बुखार, थकान और जॉइंट्स पेन, मसल स्टिफनेस या और भी बहुत तरह की परेशानियां जो होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। स्लीप अर्ली, अगर आप रात को सही समय पर सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम रात में रिपेयर होता है, उसको आराम मिलता है। और अगर आप लेट सोते हैं तो आपके और या फिर आपके स्लीप डिस्टर्ब रहती है और क्वालिटी स्लीप नहीं आती है तो इम्यून सिस्टम जो होता है रिपेयर नहीं हो पाता, वो पूरे टाइम एक्टिव रहता है जिसकी वजह से उसको भी ओवरवर्क करना पड़ता है और ये इसका जो रिज़ल्ट होता है वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। तो हमें जो है स्लीप अर्ली लेना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। और सबसे लास्ट में आता है स्ट्रेस फ्री लाइफ। स्ट्रेस जो होता है आजकल लास्ट रीज़न नहीं, सबसे फर्स्ट रीज़न बन गया है हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन के लिए और किसी भी तरह की बीमारी को पैदा करने के लिए। स्ट्रेस जो होता है हमारे ब्रेन, बॉडी, हार्ट में ऐसे केमिकल रिलीज़ करता है जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं और हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए आप जो हैं योगा, मेडिटेशन या बहुत ही रिलैक्सिंग एक्सरसाइज जो है, मसाज जो हैं, इनका सहारा ले सकते हैं। और अपने डू एक्सरसाइज, एक्टिव लाइफस्टाइल को अगर आप अपनाते हैं, चाहे वो रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, स्किपिंग, इवन डांसिंग या किसी भी तरह की एक्टिव लाइफस्टाइल अगर आप करते हैं तो आप अपने शरीर में नेचुरली तरीके से जो है इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं।
मेरे आज की वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं जिससे आप अपने शरीर को फिट रख सकते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। तो मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ये जागरूकता जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाएं, क्योंकि आपकी जागरूकता ही मेरी सफलता है। बाय बाय।